हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके दाहुड़ी का स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। मैंने कुछ समय पहले 2-3 वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग सूर्यवंशी की थिएट्रिकल रिलीज डेट, नेगोशिएशन बिटवीन सूर्यवंशी मेकर्स एंड एग्जीबिटर्स, जहां मैंने बताया था कि इट्स ऑलमोस्ट श्योर कि मूवी 2 अप्रैल यानी गुड फ्राइडे को थिएटर्स में रिलीज होगी। पर मार्च का ऑलमोस्ट एक वीक निकल गया है, बट स्टिल देर इज़ नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम सूर्यवंशी मेकर्स, ना ही कोई सॉन्ग या ट्रेलर रिलीज किया गया है। तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट आखिर चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स रिगार्डिंग सूर्यवंशी थिएट्रिकल रिलीज। पर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मूवी रिलेटेड न्यूज़ और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। सूर्यवंशी मेकर्स ने फरवरी स्टार्टिंग में नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन से थिएट्रिकल रिलीज के लिए टर्म्स नेगोशिएट करने के लिए मीटिंग शुरू की थी, जहां एग्जीबिटर्स ने एक ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल सजेस्ट किया था जिससे उनको भी नुकसान ना हो और मेकर्स को भी ऐसा ना लगे कि उन्होंने अपनी मूवी OTT प्लेटफॉर्म को सेल ना करके कोई गलती की है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पूरी तरह मूवी के थिएट्रिकल कलेक्शंस पर डिपेंडेंट है। अगर पब्लिक सिनेमा में आके मूवी देखने से डरती है तो मेकर्स को ज़्यादा शेयर मिलेगा। अगर सूर्यवंशी 135 करोड़ से कम नेट कलेक्शन करती है तो मेकर्स को फर्स्ट वीक में 65% और उसके बाद के वीक्स में 10% ड्रॉप के साथ शेयर मिलेगा। सो फर्स्ट वीक मेकर्स का शेयर होगा 65%, सेकेंड वीक 55%, थर्ड वीक 45% एंड फोर्थ वीक और उसके बाद 35% शेयर ऑफ द टोटल नेट कलेक्शन ऑफ द मूवी। अगर सूर्यवंशी 135 करोड़ से ज़्यादा पर 200 करोड़ से कम बिजनेस करती है तो मेकर्स को फर्स्ट वीक 60% मिलेगा और सबसीक्वेंट वीक्स में उनका शेयर 10% कम होता जाएगा टिल फोर्थ वीक। और अगर पब्लिक सफिशियंटली बिग नंबर्स में आती है और सूर्यवंशी 200 करोड़ से ऊपर का नेट बिजनेस करती है, देन नॉर्मल शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू होगी विच वॉज प्रेवलेंट बिफोर कोविड। दैट इज़ मेकर्स गेट 50-52.5% इन फर्स्ट वीक, 42.5-45% इन सेकेंड वीक, 35-37.5% इन थर्ड वीक एंड 30% फोर्थ वीक ऑनवर्ड्स। इन नेगोशिएशंस को फाइनलाइज होते होते फरवरी का ऑलमोस्ट पूरा मंथ निकल गया एज मेकर्स एग्रीड टू मोस्ट ऑफ द टर्म्स पुट फॉरवर्ड बाय द नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स। बट टर्म्स तो सेटल हो गई थी चाहे वर्बली ही सही, पर तभी कोविड केसेस महाराष्ट्र में इंक्रीज होने लगे एंड महाराष्ट्र की कुछ सिटीज़ में अभी भी नाइट कर्फ्यू है लाइक पुणे। मुंबई सिटी में एज ऑफ नाउ इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता आगे आने वाले समय में क्या होगा। और महाराष्ट्र एज अ स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित शेट्टी फिल्म्स, एज ये अकेली स्टेट है जो 35-40% बिजनेस देती है रोहित शेट्टी मूवीज़ को। जनवरी में उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल तक तो सारे स्टेट्स में थिएटर्स में 100% ऑक्यूपेंसी अलाउ कर दी जाएगी इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, पर अब इसके चांसेस कम लग रहे हैं। मेकर्स एक बार को फिर भी महाराष्ट्र में 50% ऑक्यूपेंसी पर रिस्क ले सकते थे, पर अब तो नाइट कर्फ्यूज़ का भी डर है जिससे मूवी के प्राइम शोज इवनिंग एंड नाइट वाले विल बी सिवियरली अफेक्टेड। और यही रीज़न है कि मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है एज दे आर कीपिंग एन आई ऑन नंबर ऑफ केसेज ऑफ कोविड इन महाराष्ट्र एंड उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेज स्टार्ट फॉलिंग क्विकली। मुझे लगता है अब सूर्यवंशी के अप्रैल में थिएटर्स में आने के 50% चांसेस ही रह गए हैं, और अब अगर मेकर 2 अप्रैल यानी गुड फ्राइडे को आने की सोच रहे हैं देन दे विल हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट बाय नेक्स्ट वीक, क्योंकि उन्हें दोबारा बस क्रिएट करने के लिए भी 15-20 दिन तो चाहिए ही होंगे। और इन केस सूर्यवंशी मेकर्स डिसाइड नॉट टू कम ऑन 2 अप्रैल देन ऑल्सो अगले हफ्ते तक दे माइट कम आउट विद सम अनाउंसमेंट और न्यूज़, एंड उस केस में आई सी सूर्यवंशी रिलीज डेट पोस्टपोन टू ईदर जून और जुलाई एज मे एंड भी अक्षय की बेल बॉटम सिनेमाज में रिलीज होगी। एक प्रोबेबल सिनेरियो ये भी हो सकता है कि बेल बॉटम इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर शिफ्ट हो जाए और सूर्यवंशी टेक्स इट्स रिलीज डेट दैट इज 28 मई, बट देन मेकर्स ऑफ ऑल अक्षय कुमार मूवीज हैव टू शफल देयर रिलीज डेट बारिंग पृथ्वीराज चौहान विच विल रिलीज ऑन दिवाली। इस समय कुछ भी श्योरिटी के साथ कहना इज इम्पॉसिबल, बाई नेक्स्ट वीक थिंग्स विल बी क्लियर फॉर सूर्यवंशी। सो लेट्स वेट एंड होप फॉर सम गुड न्यूज इन नेक्स्ट वीक एज रूही भी थिएटर्स में रिलीज हो रही है नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द थम्स अप आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।